मेरा नाम सुमित गुप्ता है आर्क डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन से, और ये बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं पिछले 1.5 साल से। 2021 की ये पहली साइट है जिसको हम लोग हैंडओवर करने जा रहे हैं। इसमें जब स्टार्टिंग में प्लानिंग स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने 3 फ्लोर इसको प्लान किया है प्रॉपर तरीके से। एक बेसमेंट है, ग्राउंड है और फर्स्ट फ्लोर है। क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक मॉडर्न लुक भी चाहिए और अंदर से थोड़ी चीज़ें ट्रेडिशनल हों और कम्फर्टेबल हों। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक एक चीज़ को पहले डिज़ाइन किया है प्रॉपर तरीके से। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रंट एरिया से, तो हमने फ्रंट में रैंप हम लोगों ने ऐसे बनाया है, उसमें पतले पतले स्ट्रिप्स लगे हैं ताकि, क्योंकि रैंप का स्लोप होता है थोड़ा 15 डिग्री या 20 डिग्री, तो उस पर लोग पैर ना फिसले या गाड़ियाँ स्किड ना हो, उसके लिए हमने एक स्ट्रिप्स दिए हैं। प्लस हम लोग 2 गेट, एक बड़े और एक छोटा गेट दिया है। बड़ा गेट बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर कोई इंडिविजुअल आदमी आ रहा है जा रहा है तो वो छोटे गेट से इंटर कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर से ग्राउंड फ्लोर का एरिया शुरू होता है। ये 6 स्टेप्स के बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया शुरू होता है। यहाँ तक बेसमेंट है, उसी को हम लोग कंप्लीट एक लुक देने के लिए हम लोगों ने गार्डन का जो लुक दिया है वो एलिवेटेड कर दिया है, ताकि हम यहाँ से चढ़ के, और यहाँ पे भी आपको सीट आउट का प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। आप यहाँ से स्पेस जाके, ये आपका गार्डन एरिया हो गया, ये काफ़ी प्रॉपर है, करीब 15 फीट का गार्डन एरिया है। प्लस हमने 4 फीट का बरामदा दिया है, आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, आप शाम के टाइम थोड़ा सा फैमिली के टाइम बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से ये डिज़ाइन तैयार की गई है, और आपको पोर्च भी काफ़ी प्रॉपर एरिया में मिल जा रहा है। प्लस पोर्च की जो हम लोगों ने फॉल सीलिंग करी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं। पोर्च में हम लोगों ने प्रॉपर 2 गाड़ियों की पार्किंग दी हुई है, सेडान टाइप में। आप जो भी गाड़ी पार्क करना चाहें 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी, और दोनों पैरेलल पार्क होंगी। ऐसा नहीं कि एक के पीछे दूसरी लगी हो कि एक को निकलना पड़े, 2 पैरेलल पार्किंग दी हुई है। प्लस ये एरिया हमारा बेसमेंट का है, बेसमेंट में भी ये जो हमने वेंटिलेटर्स दिए हुए हैं इससे आपको प्रॉपर लाइट बेसमेंट में जाएगी। दिन में आपको नेचुरल लाइट मिलेगी, वहाँ लाइट्स जलाने की ज़रूरत नहीं है। पेंट हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है बहुत अच्छे क्वालिटी का, एशियन का रॉयल साइन रेंज का पेंट होता है, जिससे कोई भी सिलन की प्रॉब्लम नहीं आती। ग्लास का जो रेंज है हमारा वो मोदी ग्लास हम लोगों ने यूज़ किया है, सारे टफन ग्लास हैं। जो फ्रंट में ग्लास लगाया है हम लोगों ने वो लॉबी से अटैच है, मतलब उसकी वजह से वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है, लाइट अंदर लॉबी में जा रही है। जहाँ पे हमारा डाइनिंग स्पेस होगा या हम गेस्ट के लिए यूज़ करेंगे वो लॉबी एरिया, उसमें हमें नेचुरल वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा। उसके पीछे जस्ट हम लोगों ने एक बेडरूम दिया है, उससे अटैच वॉश एरिया है। प्लस उसके जस्ट अपोजिट में हमने एक बेडरूम दिया है, उससे अटैच ड्रेसअप एरिया है, जिसमें आप आपको अगर वॉशरूम से शावर लेके आपको रूम में नहीं आना है डायरेक्ट, तो आप ड्रेसर एरिया में अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। रूम में कोई बैठा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट उसके वास्तु के अकॉर्डिंग जस्ट उसके आगे हमने साउथ ईस्ट में किचन दिया है। किचन काफ़ी बड़ा है, 10x12 का है और काफ़ी स्पेसियस है। और फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम जाएंगे, इसमें 2 तरह के स्टेयर हैं। एक तो हम अगर सेपरेट किसी को आने जाने का रास्ता देना चाह रहे हैं तो पीछे से एक स्टेयर है जो टॉप 2nd फ्लोर तक जाती है। आप अपना अंदर से दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है कि हाँ कोई आप अगर सेपरेट चाहते हैं तो उसको सेपरेट रास्ता मिलेगा। और आपकी एंट्री फ्रंट से, जैसे सपोज़ आपके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और उसी टाइम आपकी मेड आती है, आपके गेस्ट लॉबी में बैठे हैं, तो मेड के लिए हम लोगों ने पीछे से रास्ता दिया, या कोई भी अदर आदमी आना जाना चाहे तो वो पीछे से रास्ता है। वो स्टेयर किसी भी फ्लोर पे भी जा सकते हैं, अंदर से किचन में भी जा सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन किया। हमने सारा जो कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने, ये RCC पे है, सारा कुछ रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ है। और हमने इसमें काफ़ी हैवी कॉलम यूज़ किए हैं, कुछ 9x14 के हैं, 9x18 के हैं। ये दोनों कॉलम हम टॉप तक लेके गए हैं। इसके 2 पर्पज़ हैं, एक तो एलिवेशन का और एक स्ट्रेंथ का। इन दोनों या सामने के जितने भी पिलर्स आ रहे हैं उनको हमने HPL से कवर किया है, ठीक है, ताकि इसकी लुक भी अच्छा आए और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ कंक्रीट का पिलर हमने खड़ा कर दिया है। ये सीट की वजह से इसका लुक काफ़ी इन्हेंस हो रहा है। प्लस इसकी वजह से हमें एक प्रॉपर टेरेस एरिया भी मिल जा रहा है। पोर्च एरिया के ऊपर का जो है, कार पार्किंग के ऊपर का जो टेरेस है वो हमें मिल जा रहा है, बालकनी टाइप का, काफ़ी स्पेसियस, और ये वहाँ तक कनेक्टेड है। और जस्ट इसके नीचे आपका गार्डन एरिया है। बाकी हम लोगों ने जो इंटरनल डोर लगाए हैं, बाहर के सारे टीक वुड के डोर हैं, मतलब सागवान के। बाकी जो फ्रेम हैं, चौखटे हैं, वो सारे मलेशियन साखू के हैं। ये काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है साखू। हम लोग पहले भी गांव में बुज़ुर्गों ने कहा है कि बहुत मजबूत होती है, कई सैकड़ों सालों तक चलती है। फ्लश डोर हो गया, अंदर के जितने भी डोर हैं हमने फ्लश डोर का यूज़ किया है। ये SRG प्रीमियम या
सेंचुरी या ग्रीन प्लाई के होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन प्लाई का यूज़ किया। ग्रेनाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छे लेवल की यूज़ की गई है। हम लोगों ने गैलेक्सी ब्लैक या टैन ब्राउन यूज़ किया है। हम लोगों ने फैमिली मेम्बर के लिए, जो फैमिली गेस्ट हैं, उनके लिए ये स्टेयर दिया हुआ है ताकि आप यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे जा सकें, और ये दोनों फ्लोर बहुत कनेक्टेड फील होगा इसकी वजह से। और इसके पीछे हम लोगों ने एक, पहले मैंने बताया ही है कि हमने एक सेपरेट स्टेयर दिया हुआ है, वो सर्वेंट को यूज़ करने के लिए या कोई भी अदर देन फैमिली मेम्बर है या उसको अलग से उधर से जाना है तो उसके लिए है। ये स्टेयर फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करेगा और इसमें अभी रेलिंग लगना बाकी है। ये रेलिंग लग जाएगा तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा और यहाँ पे आपका सामने डाइनिंग स्पेस हो जाएगा। बाकी स्टडी रूम जो फर्स्ट फ्लोर पे बना है उसको ऐसे हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि उसकी फेसिंग डायरेक्ट सामने रोड की तरफ दिखती है। मतलब लॉबी में पूरा ग्लास लगा हुआ है और लॉबी से सीधा हमको वो पूरा रोड क्लियर दिखाई देता है। और ऊपर भी हम लोगों ने दो बेडरूम और एक छोटा सा पैंट्री दिया है, मतलब किचन कह सकते हैं बट थोड़ा नीचे वाले साइज से छोटा है। और सबसे टॉप फ्लोर पे हम लोगों ने एक सर्वेंट रूम और सर्वेंट रूम से अटैच एक पैंट्री और एक वॉश एरिया दिया हुआ है। टेरेस पे हम लोग ब्रिकोवा का वर्क किए हैं जिसकी वजह से आपको सीलन की कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। प्लस गर्मियों में छत जो होता है वो कम हीट होता है क्योंकि हम लोग एक पूरे एरिया में हम लोग पूरा ब्रिक का लेयर बिछा के इस पर केमिकल कोटिंग करके फिर इस तरीके से ढलाई करते हैं। तो छत की लेयर जो 4 इंच होती है वो अब सीधे सीधे 9 इंच हो जाती है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र कम होता है। प्लस इसमें भी कुछ टेक्निकली चीज़ यूज होती हैं। सन के रोटेशन के ही साइकिल में हम ब्रिक को बिछाते हैं जिसकी वजह से हीट कम ट्रांसफ़र होता है नीचे। प्लस वाटरप्रूफिंग का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ब्रिकोवा। और हम लोगों ने छत को काफ़ी स्पेसियस बनाया है जिससे आप छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आप म्यूज़िक सिस्टम या जो भी चीज़ें आप चाहें लगा सकते हैं। प्लस उधर हम लोगों ने टेबल दिए हैं, डाइनिंग टेबल। आप जो भी छत पे सर्विंग एरिया उसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे आप सर्व कर सकते हैं और छोटी मोटी पार्टी आप इंजॉय कर सकते हैं।